फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं IBPS PO की अपडेटेड सैलरी स्लिप। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, IBPS PO का प्री एग्ज़ाम जो वो चल रहा है, अभी हो गया है। मेरे अकॉर्डिंग आज लास्ट था आज, तो आप सब लोगों को इसकी सैलरी स्लिप जानने के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होगी कि इसकी एग्जैक्ट सैलरी क्या है। इससे आप लोगों की मोटिवेशन भी बनी रहेगी और आप लोगों को जो बैंकिंग में सैलरी चल रही है उसका भी एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो हम आपके लिए सैलरी स्लिप लेके आए हैं ये बिल्कुल ही जो मिल रही है, जो सैलरी स्लिप है वही हमने आपको दिखाई है। पुरानी नहीं है, अपडेटेड है, बिल्कुल अपडेटेड है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम देखेंगे कि सैलरी स्लिप क्या है हमारी। ये देखिए, जो बेसिक पे है आपका, जो आपको स्टार्टिंग में मिलता है वो है 36,000। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग पे स्केल 36,000 है। जो अभी 2017 वाली सेटलमेंट थी उसके अकॉर्डिंग, अभी आप लोग जानते हैं कि नवंबर में बैंकिंग डिपार्टमेंट में सभी उसमें हमारी सेटलमेंट भी ड्यू है, इसके बाद सैलरी और भी बढ़ सकती है। तो जो फर्स्ट हमारी होती है सैलरी वो होती है, बेसिक पे जो होती है वो होती है 36,000। इसके बाद जैसे कि आपको एक साल हो गया है तो उसके बाद आपको 37,490 रुपये, मतलब 1490 रुपये हर साल बेसिक में प्लस होते जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपका जो DA है, जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, वो आपका है 11,894 रुपये। ये जो है आपके 36,000 के ऊपर 32%, जैसे कि आज कल DA बढ़ गया है, जैसे ये क्वार्टरली इसका DA कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है जो 2520 रुपये। उसके बाद है हमारा लर्निंग अलाउंस जो कि 1150 रुपये हैं। उसके बाद जो है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो LA है वो है लोकेशन अलाउंस, और LEA है वो है लर्निंग अलाउंस 798 रुपये। उसके बाद हमारा स्पेशल अलाउंस 6904 रुपये। उसके बाद जो हमारा स्पेशल अलाउंस है उस पर भी हमें DA मिलता है 1950 रुपये। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे सैलरी में से कुछ परसेंटेज कट के हमारे NPS अकाउंट में जाते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें जाते हैं हमारे, तो इतनी ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की होती है, इतनी ही कंट्रीब्यूशन किसकी होती है, हमारी खुद की होती है। जैसे एम्प्लॉय की होती है इतनी हमारे बैंक की होती है। तो जो आप बैंक की कंट्रीब्यूशन लगा के अपनी सैलरी बनाओगे तो ये कितनी हो जाएगी, 66,922.32। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारे बैंक की सैलरी स्लिप है, इसमें आपको एग्जैक्ट यहाँ पे हमने सैलरी शो की हुई है 66,922.32। उसके बाद है जो आपके PF में जाते हैं, जैसे जो वो है 4,789.44। और जो भी आपने यूनियन ज्वाइन की होती है उसका है 200 रुपये, ठीक है। ये बैंक टू बैंक डिफर करता रहता है। और एक हमारा प्रोफेशनल टैक्स होता है जो है 200 रुपीज़। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमारी नेट सैलरी है वो है 54,728.20। जैसे कि आप लोगों ने इसमें देख लिया है वीडियो में कि आपकी सैलरी 54 प्लस ही आपके अकाउंट में आएगी, और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके पेट्रोल अलाउंस हैं वो आपको मिलेंगे, हर बैंक के अकॉर्डिंग जितने भी है उस अकॉर्डिंग आपको पेट्रोल अलाउंस के पैसे मिलेंगे, इसके जो ये सैलरी है उसके अलावा।
और आपकी टोटल सैलरी है जो फर्स्ट टाइम वो कितनी मिलेगी आपको, 56 प्लस मिलेगी। और आप लोगों को ये जान के भी बहुत खुशी होगी कि अगले महीने हमारी जो है नवंबर में सेटलमेंट भी ड्यू है, इसके बाद सैलरी हमारी बढ़ भी सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर किसी भी तरह की बैंकिंग के एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, फिर हम आपको उसके लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने नया चैनल ही बनाया है, तो हम आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। और हम खुद भी बैंक में ही जॉब करते हैं, आपको किसी तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।